नमस्कार दोस्तों, मैं हार्डवेयर फिक्सर से कृष्णा ठाकुर। आज जो हमारा चैप्टर रहेगा, जो आज हमारी क्लास रहेगी, वो चार्जिंग के ऊपर रहेगी। वीडियो उन भाइयों के लिए रहेगी जो नए नए क्या कर रहे हैं, ट्रेसिंग सीख रहे हैं, मोबाइल रिपेयरिंग सीख रहे हैं, इधर उधर यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, उनको बेसिक ही नहीं मिल पा रहा है। अगर वो वीडियो देखते हैं तो बहुत ज्यादा एडवांस की वीडियो मिल जाती है, यानी जो उन्हें सिक्वेंस चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो जो रिपेयरिंग सीख रहे हैं, नए नए रिपेयरिंग सीख रहे हैं, और किस तरह से सबसे पहले क्या करना है अगर हमारे फोन में चार्जिंग की दिक्कत आती है, तो चार्जिंग के बारे में आज बात करेंगे, बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे। तो वीडियो पे बने रहे और आपको दिखाते हैं। तो जो आपका फोन होता है, जैसे आप फोन में चार्जिंग कनेक्ट करते हो, तो सबसे पहले जो जैक होता है, चार्जिंग जैक, ये मान लो आपका चार्जिंग जैक लगा हुआ है, तो इसमें क्या है, आपकी पॉजिटिव लाइन है, ये नेगेटिव लाइन है। अब ये जो पॉजिटिव लाइन होती है फोन के अंदर, इस लाइन का नाम क्या रहता है, आपका वीबस रहता है। ये आपको वीबस दिखाई दे रही है। अब बीच में एक छोटी सी आईसी लगी हुई है जिसका नाम है आपकी ओबीपी। तो आपने देखा जैक से जो सप्लाई ओबीपी के अंदर जा रही है, ओबीपी से क्या जा रही है, आपकी चार्जिंग आईसी में जा रही है। और यहीं के बीच में आपको कैपेसिटर लगे हुए मिल जाएंगे इस टाइप के। तो यहाँ पे कैपेसिटर लगे हुए मिलेंगे। कभी क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास कोई चार्जिंग का फोन आया तो ओबीपी भी खराब हो सकती है। तो उसको कैसे चेक करना है, सबसे पहले आपको पता है कि आपका जो चार्जिंग वाला जैक होता है उसमें 5 वोल्टेज आते हैं। आपको सबसे पहले ये देखना, जो मेरी ओबीपी आईसी लगी हुई है, इसका जो इनपुट है, ये आपका क्या हो गया, इनपुट हो गया। इनपुट में क्या लगा हुआ है, इसका एक कैपेसिटर लगा हुआ है। तो उस कैपेसिटर पर आपको पूरे 5 वोल्टेज चेक करने हैं, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है कि पूरे 5 नहीं मिलते हैं, 4.5 मिलते हैं या 4 वोल्टेज मिलते हैं। अगर इस तरह से आपको कम वोल्टेज मिल रहे हैं तो प्रॉब्लम चार्जिंग जैक वगैरह की हो सकती है, क्योंकि चार्जिंग आईसी तक पूरे 5 वोल्टेज जाएंगे जब भी आपका फोन प्रॉपर चार्ज होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 5 वोल्टेज इधर इसका इनपुट चेक करना है और साथ में इसका आपको आउटपुट चेक करना है, क्योंकि आउटपुट में भी सेम वोल्टेज मिलेंगे। क्योंकि ये जो ओबीपी आईसी होती है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, इसका काम कोई वोल्टेज को रोकने का नहीं होता, बस इसका काम होता है अगर चार्जर से एक्स्ट्रा वोल्टेज आ जाते हैं, ज्यादा वोल्टेज आ जाते हैं, तो ये आईसी खुद खराब हो जाती है, पर आगे की सर्किट को क्या कर लेती है, प्रोटेक्ट कर लेती है। ये प्रोटेक्शन के लिए लगाई गई हुई है कि आगे का सर्किट डैमेज ना हो, इसलिए ये आईसी लगाई गई है। बाकी इसका वोल्टेज बढ़ाने का या कम करने का ऐसा कोई काम नहीं है। तो इनपुट आउटपुट चेक कर लेना है। अगर मान लो इनपुट जा रहा है, आउटपुट नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, या तो ये आईसी खराब हो गई है, इसको रिप्लेस कर देना है। अगर मान लो आपको खराब हो गई आपकी ओबीपी आईसी और आपको चेंज करनी है, तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे करके इसका कैपेसिटर के पॉजिटिव वाली साइड से आपको एक जम्पर उठा के और इस कैपेसिटर के पॉजिटिव साइड पर एक जम्पर लगा देना है और आईसी को निकाल देना है। ऐसे करके इसको आप बाईपास कर सकते हो। पर क्या होता है, ऐसे फोन तो चलने लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर आगे कोई दिक्कत आती है तो ओबीपी डैमेज नहीं होगी, आपकी चार्जिंग आईसी डैमेज होगी, क्योंकि ओबीपी आपने लगाई नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको जब भी इसको बाईपास करो तो एक 0 ओम का रजिस्टर ले लो। बोर्ड में बहुत सारे 0 ओम के रजिस्टर लगे रहते हैं, वहां से लेके आपको क्या करना है, एक बीच में रजिस्टर लगा देना है। जब इसको आप बाईपास करो तो बीच में क्या लगा दो, एक रजिस्टर को लगा देना है, जिससे क्या होगा, जो काम आपकी आईसी कर रही थी वही काम लमसम आपका क्या करेगा, ये रजिस्टर करेगा। तो इस कंडीशन में आपको ओबीपी आईसी को बाईपास करने के लिए रजिस्टर लगा सकते हो। आप चाहो तो डायरेक्ट जम्पर लगा सकते हो, पर इससे क्या होगा, रजिस्टर अगर आप लगा दोगे तो आपके आगे सर्किट में अगर कभी भी दिक्कत आती है, वोल्टेज चार्ज से बढ़कर आते हैं, कोई भी दिक्कत होती है, शॉर्टिंग वगैरह होती है, तो उस कंडीशन में रजिस्टर खराब हो जाएगा, फिर भी आपका जो आगे का सर्किट है वो प्रोटेक्ट रहेगा। उसके बाद जब सप्लाई आपकी चार्जिंग आईसी पर जाती है, तो यहाँ पर भी आपको कैपेसिटर देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपके ये कैपेसिटर लगे हुए, जब चार्जिंग आईसी के अंदर सप्लाई इन करती है, तो यहाँ पे भी आपको क्या चेक करने है, 5 वोल्टेज चेक करने है। क्योंकि आपने देखा ना, इस लाइन का क्या नाम है, आपका वीबस है। तो आपकी जैक से आपकी चार्जिंग आईसी तक इस लाइन का नाम वीबस ही रहता है, ये ओबीपी के बाद चेंज नहीं होती है, और इस पर ओबीपी के बाद भी आपको 5 वोल्टेज मिलेंगे। तो चार्जिंग आईसी पर सबसे पहले आपको क्या चेक करने है, 5 वोल्टेज चेक करने है। उसके बाद कई बार क्या होता है कि चार्जिंग आईसी में सप्लाई जा रही है नहीं जा रही है, हमें ये भी कंफ्यूजन होता है, जो बॉल होती है कोई जो ट्रैक जा रहा है अंदर, हो सकता है ड्राई सोल्ड हो गए हो, उसके वजह से सप्लाई नहीं मिल रही हो। तो यहाँ पे क्या होता है, एक कैपेसिटर लगा रहता है चार्जिंग आईसी से इस टाइप में, जिसका नाम रहता है PMID। तो इस चार्जिंग आईसी पे कोई भी कंपनी की चार्जिंग आईसी रहेगी, यहाँ पे मैं किसी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ कि PMI है या PM है या BQ है, ऐसी कोई बात नहीं कर रहा है या MediaTek की है, मैं केवल आपको बता रहा हूँ कोई भी फोन हो आपको उसमें इस तरह से आपको चेक करना है, मॉडल डिपेंड नहीं करता इसमें।
तो ये आपको जो पीएमआई कैप्सूल रहेगा इस पर भी आपको 5 वोल्टेज देखने को मिलेंगे। तो जैसे ही चार्जिंग आईसी के अंदर ये सप्लाई इन होगी उसके बाद क्या होगा आपके 5 वोल्टेज आपको इस कैप्सूल पे मिल जाएंगे। बाय चांस आपके 5 वोल्टेज नहीं मिलते तो आपको श्योर होना है आईसी को उठाने के बाद आईसी के अंदर सप्लाई जा रही है या नहीं जा रही है और कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है, उसके बाद आपको आईसी को रिप्लेस कर देना है। उसके बाद क्या होता है जब चार्जिंग आईसी में आपकी सप्लाई चली जाती है तो हमारे फोन में एक सप्लाई आउट होती है जिसका नाम रहता है बीपीएच। तो इधर से एक सप्लाई निकलेगी और यहाँ पे एक बक कॉइल लगाई जाएगी जिसका नाम रहेगा आपका बीपीएच। ये वही बीपीएच सप्लाई होती है जो पूरे फोन में डिस्ट्रीब्यूट होती है जिसके कारण आपके लाइट सेक्शन, ग्राफिक सेक्शन, नेटवर्क सेक्शन, पावर आईसी इनके अंदर जो सप्लाई जाती है ये मेन लाइन होती है आपके फोन में जी पूरे फोन में डिस्ट्रीब्यूट होती है और बनती है आपकी चार्जिंग आईसी से। क्योंकि चार्जिंग आईसी पे आपको चार्जर और प्लस बैटरी, ये आपकी बैटरी लगी हुई है, दोनों कनेक्ट रहते हैं। तो आप चार्जर लगा दो तब भी ये लाइन मिलेगी और चार्जर निकाल के बैटरी लगा दो तब भी ये लाइन आपकी जनरेट होगी। यहाँ पे जो कॉइल लगी रहती है 1 माइक्रो हेनरी की होती है। कई बार अगर कॉइल वगैरह खराब हो जाती है आपको रिप्लेस करनी है तो 1 माइक्रो हेनरी की होती है। दूसरा कहीं पे भी कोई भी चार्जिंग सेक्शन होता है तो उसके अंदर भी आपको 1 माइक्रो हेनरी की कॉइल लगी हुई होती है। उसके बाद जब आपकी बीपीएस जनरेट हो जाती है तो बीपीएस से एक लाइन आती है इसके अंदर वापस जाती है जिसका नाम वी सिस्टम हो सकता है आपका। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि बीपीएच है तो क्वालकॉम के अंदर ही बीपीएच रहता है। अगर मीडियाटेक का चिपसेट रहता है तो इसी का नाम वी सिस्टम होता है। अगर ये फोन आपका सैमसंग का रहता है तो उसके अंदर आपको वी बैट या वी सिस्टम दोनों ही देखने को मिल जाएंगे। तो ये चिपसेट के हिसाब से ये लाइन नाम चेंज हो जाता है बीपीएच, वी सिस्टम या वी बैट। उसके बाद सप्लाई आपकी कॉइल के बाद एक सप्लाई आपको चार्जिंग आईसी में आती हुई दिखेगी और इस चार्जिंग आईसी से ये सप्लाई जब इसके अंदर आ जाती है तो यहाँ से एक सप्लाई आउट होती है आपकी वीबेट की जिसका नाम रहता है आपका वीबेट। तो वोल्टेज की बात करें तो यहाँ पे जो बीपीएच आपकी आउट होती है वो 4 वोल्टेज होते हैं। कितने होते हैं? 4 वोल्टेज होते हैं। आपको 3.7 से 4.2 तक ये वोल्टेज मिलते हैं और वही वोल्टेज आपके आउट होते हैं बैटरी के लिए। अब जो बैटरी के लिए कैसे चार्ज होती है, कैसे सप्लाई आउट होती है, तो इसके लिए एक अलग चैप्टर है क्योंकि काफी लंबा बन जाएगा अगर मैं सारी चीजें बताऊं। क्योंकि यहाँ पे फ्यूल गेज होती है, पहले फ्यूल गेज से बैटरी को चेक किया जाता है कितनी उसके अंदर परसेंटेज है, उसका करंट कितना है जब चार्जिंग आईसी उसको चार्ज करती है। तो यहाँ पे आपको क्या चेक करना है, 5 वोल्ट इन चेक करने है, पीएमआईडी पे चेक करना है, बीपीएच बन रहा है कि नहीं ये चेक करना है, उसके बाद बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज चेक करते हैं। अब बैटरी कनेक्टर पे क्या है, आईसीओ के हिसाब से किसी फोन में क्या होगा, कोई आईसी लगी है तो वोल्टेज आपको प्रॉपर मिलेंगे बिना बैटरी लगाए, बैटरी को निकाल दोगे। और अगर आपका किसी चार्जिंग आईसी में क्या होता है वोल्टेज फ्लक्चुएट करते हैं, किसी में क्या होता है कोई वोल्टेज नहीं मिलते, तो बैटरी लगाने पर ये वोल्टेज क्या होते हैं जनरेट होते हैं। तो ये चीजें आप चेक कर सकते हो। ये बहुत छोटी चीज है जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की है, बहुत ही बेसिक चीज है। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए और इस तरह से आपको चेक कर लेनी है। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में एक छोटी सी चीज कवर की है, अगर इसकी आपको डीप नॉलेज चाहिए यानी कोई इसके बारे में फुल वीडियो चाहिए जिसमें सारी चीजें मैं बताऊं तो आप दोस्तों मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो बना के आपके पास डालूंगा। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक फॉर वॉचिंग।